अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। सबसे पहले तो आप ये न्यूज़ देखें, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का ये 6 सेकंड के बाद आने वाला है और ये दिखा रहा है कि जो गोल्ड होगा वो सेल जाएगा, हल्का सा बाय जाके फिर सेल जाएगा, ठीक है, बल्कि ये सेल अभी गया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस, एक और ट्रेड वीडियो के साथ। अर्न मनी के हिसाब से यानी आप इस वीडियो को कह सकते हैं वापस आ चुके हैं और ये मैं अभी इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। ये सेम पहले वाले ही जो वीडियो थी वो मैंने सुबह ट्रेडिंग के वक्त ही मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था, सो बाद में साउंड उसका कुछ अच्छा नहीं था, सो इस वजह से मैं इस पर अभी रात को वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो मैंने बात की थी कि ये जो इनिशियल जॉबलेस की जो न्यूज़ थी आने वाली थी इवेंट, उस पर मैंने कहा था कि ये गोल्ड को सेल लेकर जाएगा, ठीक है। तो अभी इसी चीज़ पे ही बात करेंगे और सिर्फ ये याद रखें कि इनिशियल फंडामेंटल जो जॉबलेस क्लेम है उसी की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात पे आते हैं कि मुझे किस तरह पता चला। तो दो चीज़ें जहन में रखो, हर न्यूज़ के साथ दो चीज़ें दी हुई होती हैं, एक प्रीवियस और दूसरा है कॉन्स। कभी कभी कुछ भी नहीं दिया होता तो उस पर तो कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है, प्रीवियस होता है जो पिछला यानी इसी ही तरह का न्यूज़ पिछला इसने ये अमल किया, कॉन्स होता है जो यानी आगे आने वाला है, लोग प्रेडिक्ट ये करते हैं कि ये इस तरीके से अमल करने वाला है, यानी कि ये जो चांसेस हैं, ठीक है। और ये हर करेंसी का होता है, मुख्तलिफ करेंसी पर, क्योंकि गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ मैं इस वक्त, तो मैंने ये इस वक्त तो नहीं, वॉइस ओवर ही है, तो गोल्ड के साथ USD लगा हुआ होता है, सो वो गोल्ड की कीमत को ऊपर नीचे कर सकता है और ये आप साइड में देख भी सकते हैं कि ये हाई न्यूज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये याद रखिए, जो प्रीवियस होता है उसका मतलब है इसने ये अमल किया, और कॉन्स का मतलब है जो आगे इस तरीके से अमल करेगा, और एक्ट वो होता है जो न्यूज़ के टाइम ख़त्म होने के बाद होता है। इसका मतलब ये होता है जो इनिशियल जॉबलेस ख़ास तौर पर, इसमें ये होता है कि अभी ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है ये प्रीवियस में 2,29,000 और कॉन्स में 2,34,000। इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस में वो बता रहा है कि 2,29,000 बंदों ने हुकूमत से पैसे मांगे हैं या डिमांड किए हैं अमेरिका की हुकूमत से कि हमारे पास जॉब नहीं है तो हमें जो हम जॉबलेस हैं तो हमें कुछ बेनिफिट्स या हमें पैसे दिए जाएं, आसान भाषा में बात करते हैं तो हमें पैसे दिए जाएं, ठीक है। तो पहले उनकी तादाद थी जो पिछला था उस पर थी 2,29,000 और इस पर है 2,34,000, ठीक है। तो इस हिसाब से तो USD को नुकसान होना चाहिए था क्योंकि जो पैसे मांगने वाले हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन ये इस तरीके से नहीं है, इसने जो अमल किया वो थी 2,16,000, ठीक है, 16,000। तो ये आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट, तो इस हिसाब से यानी USD हुआ तगड़ा, ठीक है। अगर हम इस न्यूज़ को देखें तो आप देखें ऊपर जॉबलेस क्लेम 4 वीक के हिसाब से और ये न्यूज़ डिफरेंट हैं, ठीक है। तो पिछले जो मांगने वाले यानी जो पैसे जॉबलेस के क्लेम करने वाले, अगर वो नंबर ज़्यादा हो और जो दूसरा नंबर है कॉन्स वो नंबर कम हो, तो ये याद रखें कि जो गोल्ड है या हर वो पेयर जिसके साथ USD बाद में लगा हुआ हो वो सेल करेगा, ठीक है। पहला वाला नंबर ज़्यादा हो दूसरा कम हो तो इसका मतलब ये है कि जो पैसे मांगने वाले हैं वो कम हैं, यानी कि हुकूमत पर इतना वज़न नहीं पड़ेगा। ज़ाहिर है हुकूमत पर अगर वज़न ना पड़े तो इसका मतलब है कि USD तगड़ा होगा। सो यही थी आज की मेरे रिव्यूज़ और एनालिसिस, और ये इसी तरीके से ये है, और आप कहीं और जगह पर सर्च करें तो भी कर सकते हैं, इस पर कोई इशू नहीं, यानी कि गूगल इधर उधर से थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको उसका यानी जो मेन है वो मिल जाएगा। सो आई होप कि सिर्फ इनिशियल जॉबलेस क्लेम फंडामेंटल न्यूज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, जो कि आपको मदद देगी फॉरेक्स में।
इसी तरीके से और वीडियोस भी लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जैसे सीरीज़ इसकी न्यूज़ की मैं लेकर आने वाला हूँ वो बहुत जल्द आएगी, और इंशाल्लाह आपको उसको ट्रेडिंग में आपको फ़ायदा देगी, जो कि अर्निंग में आपके मदद आ सकेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।